तेरी यादों के कमरे का टूट कोई ताला जाए, तेरी तेरी यादों के कमरे का टूट कोई ताला जाए, यानी कि पुराना जख्म अपना कोई फिर से पाला जाए। तेरी यादों के कमरे का टूट कोई ताला जाए, यानी कि अब कोई पुराना जख्म फिर से न पाला जाए। और तेरी हिजर ने वो हालत की है, मुमकिन है कि तुझे अब दिल से निकाला जाए। और तुम्हारे शहर में आकर 80 किलोमीटर पड़ता है, तुम्हारे शहर में आकर इस कदर लूट गए, तुम्हारे शहर में आकर इस कदर लूट गए, कुछ मोती सिफत थे मेरे यार सब छूट गए। और उनसे मिलने जुलने का अंजाम ये हुआ, कुछ दीवानों के कलेजे टूट गए। जिस मिजाज की कविता है लगभग 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 आप यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं एक गजल लिखा था, वो अभी अभी ताजी ताजी गजल है, मैं आपको सुनाता हूँ कि तेरी निस्बत के अफसाने। निस्बत का मतलब होता है लगाव, उर्दू में प्रेम आकर्षण है ना, बहुत सारे होते हैं कि तेरी निस्बत के अफसाने, तेरी निस्बत के अफसाने जुबां पर लाए न गए, तेरी निस्बत के अफसाने जुबां पर लाए न गए, जो जख्म थे वो जमाने को दिखाए न गए, और टूट कर चूर चूर होना ही था इस पत्थर का, तेरे गम में जो बैठे कभी मैं खाने से उठाए न गए। जिस बात पे ताली आनी थी शायद नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। और मुद्दतों बाद उठते हाथों की दुआएं काम आई है, लगता है माजी के पन्नों से हम हटाए ना गए हैं। और लोग हमसे हुनर पूछने आने लगे हैं आजकल, लोग हमसे हुनर पूछने आने लगे हैं आजकल, जो दांव किसी उस्ताद से कभी सिखाए ना गए, जो दांव किसी उस्ताद से कभी सिखाए ना गए। और कुछ सुना और अपने तरफ से, मैंने रात इंद्री की स्टाइल में गजल लिखी थी कि वो, पर ताली आना चाहिए ना, ये आपके मिजाज की है ना, कि वो जाती है, वो जाती है तो जाए, वो जाती है तो जाए, मनाने का नहीं वो आफत है उसको बुलाने का नहीं। जाती है तो जाए, मनाने का नहीं वो आफत है उसको बुलाने का नहीं, और वक्त अपने साथ नहीं है पगले, वक्त अपने साथ नहीं है पगले, घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाने का नहीं। और एक काम मैंने ऐसा भी किया था कि सारा का श्रेय जो होता है, काम का पूरा श्रेय वो कोई दूसरा ही उठा ले गया है ना, कि वक्त अपने साथ नहीं, हाँ होता है ना, वक्त अपने साथ नहीं रे पगले, घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाने का नहीं, और वो इतराता है साहब, वो इतराता है कि तवे पर रोटी सेकने का हुनर जानता है, वो इतराता है कि तवे पर रोटी सेकने का हुनर जानता है, उसके चूल्हे में अब आग लगाने का नहीं। एक नाजुक सी पंक्ति है कि हाँ कि उस गली में, ठीक है कि उस गली में साहब भोली सूरत वाली रहती है, उस गली में भोली सूरत वाली रहती है, वो बेवफा है उधर जाने का नहीं।